है प्रश्न संख्या 21 और यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि देशांतर और मानक समय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन यहाँ पर ये कह रहा है कि संपूर्ण विश्व को 15 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो कि गलत है। 15 नहीं 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और इस प्रकार जो है, चूँकि 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होता है, इसलिए जो है 15 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 60 मिनट जो है 1 घंटा के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो है 15 डिग्री के 24 टाइम जोन में इसे विभाजित किया गया है समय क्षेत्र में, और इस प्रकार जो है ये टोटल मल्टीप्लाई करने पर 360 होता है, और 360 जो है वृत्ताकार परिस्थिति को दिखाता है, जो कि पृथ्वी गोल है। और इस प्रकार जो है आप ये समझ सकते हैं कि इसे 15 समय क्षेत्रों में नहीं 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला कथन गलत है तो विकल्प ए भी गलत है, विकल्प सी भी गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि सभी देशों द्वारा अपनी केंद्रीय याम्योत्तर के आधार पर एक मानक अपनाया गया है। तो ये बात सही है कि अधिकांश देशों द्वारा जो है अपनी केंद्रीय याम्योत्तर के आधार पर एक मानक समय अपनाया गया है, सभी देशों द्वारा नहीं। जैसे बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो यूएसए में जो है 9 गो टाइम जोन है, जो कि वहां के जो है विधान द्वारा उसे स्थापित किया गया है। वहीं भारत में बात करें तो इंडिया में जो है 2 गो टाइम जोन बनाने की कवायद चल रही है, बात चल रही है। इस प्रकार जो है चूँकि यहाँ पर सभी दिया हुआ है जो कि गलत है, तो यहाँ पर जो है 1 और 2 दोनों कथन गलत है, और दोनों कथन गलत है तो इसका सीधा उत्तर जो है डी होगा कि न तो इसमें 1 सही है और न 2 सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय जलवायु पर हिमालय पर्वत के प्रभाव है, यानी हिमालय पर्वत के जो प्रभाव होते हैं वो भारतीय जलवायु पर जब पड़ते हैं तो इसमें से कौन से कथन जो है उस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। पहला कथन निम्नलिखित इसमें जो है सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो पहला कथन यहाँ पे यह कह रहा है कि यह ठंडी उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप को सुरक्षा प्रदान करता है, और यहाँ पर पहला कथन सही है तो विकल्प बी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। बात करें भारत की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये नेपाल है और इधर जो है तिब्बती पठार है, और इस प्रकार से जो है हिमालय जो है उत्तर पूर्वी राज्यों तक फैला हुआ है हिमालय। अब इधर से जो है ये क्या करती है कि एशिया में हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है ये तिब्बती पठार से भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों को जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैदान विभाग है, और इसको जो है पृथक करने का कार्य करती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच जो है एक आप यहाँ देख रहे हैं कि जलवायु विभाजक के रूप में भी कार्य करती है, और यह भारतीय जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप को इधर साइबेरिया जो कि इसके उत्तर में है, इधर से आने वाली साइबेरिया से आने वाली ठंडी उत्तरी पवनों से जो है संरक्षण प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन ये कह रहा है कि यह मानसूनी पवनों को अवरोधित करके उन्हें उपमहाद्वीप में वर्षा हेतु बाध्य करता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है कि हिमालय पर्वत जो होते हैं यहाँ दक्षिण पश्चिम से जो मानसूनी पवने आती है तो इसको अवरोधित करते हैं ये पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला, और इस प्रकार अवरोधित करके यहाँ महाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराते हैं। और इस प्रकार दूसरा कथन भी जो है ये सही है, और पहला दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है विकल्प बी और सी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प ये कह रहा है कि यह विभिन्न वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण करता है जो मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। तो यहाँ पर जो है ये विभिन्न वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण करता है। ये वायुदाब क्षेत्र में परिवर्तन हेतु स्थल और समुद्र का विभेदी ताप यानी ITCZ का स्थानांतरण, ये 2 चीज़ जो है उत्तरदायी होता है इस विभिन्न वायुदाब क्षेत्र के लिए, ITCZ का स्थानांतरण और उसके बाद स्थल भाग और समुद्री भाग के टेम्परेचर में अंतर, ये जो है इसको मुख्य रूप से प्रभावित करता है। और ये मानसूनी पवनों के उत्क्रमण को प्रेरित बनता है, यानी कि इसका कारण नहीं है। इस प्रकार तीसरा विकल्प जो है गलत है, और तीसरा गलत है तो विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है। 1 और 2 विकल्प जो है, 1 और 2 कथन जो है यहाँ पर सही है।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 और प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि भारतीय भूगोल के संदर्भ में ये करीबा जो है, ये करीबा क्या है। तो यहाँ पर करीबा पहला विकल्प ये कह रहा है कि कश्मीर हिमालय में हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव जो होती है, यही करीबा कहलाती है। तो यहाँ पर पहला विकल्प ही जो है सही है। करीबा जो है हिमनदीय चिकनी मिट्टी और हिमोड के साथ संबंध अन्य पदार्थों का मोटी परत के रूप में जो है जमाव है। अधिक सटीक रूप से जो करीबा एक सरोपकारी निक्षेप है और भूगोलवेताओं के अनुसार करीबा का निर्माण प्लीस्टोसिन युग में हिमनदों, नदियों, झीलों और पवनों द्वारा लाए गए लोएस से हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसका जो निर्माण हुआ है ये प्लीस्टोसिन युग में हिमनदियों और झीलों द्वारा और पवनों द्वारा लाए गए लोएस से हुआ है। और कश्मीर हिमालय करीबा संरचनाओं के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि केसर की स्थानीय किस्म जो है जाफरान की खेती के लिए यह जो क्षेत्र है करीबा, ये काफ़ी उपयोगी है। और ये उत्तर पश्चिम भारत में पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में ये करीबा स्थित है, करीबा वाले क्षेत्र। और इस प्रकार जो है पहला जो है विकल्प इसमें जो है सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। कह रहा है प्रश्न संख्या 24 ये कि यह अलपुजा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिले के तटीय क्षेत्रों में उगने वाली चावल की एक विशिष्ट किस्म है। यह किस्म लवणीय जल सहिष्णु, ऊंची बाढ़ जैसी परिस्थितियों में पनपने वाली और पूर्ण रूप से मत्स्य संवर्धन फर्मों से बचे लगभग 6 माह के अवशेषों पर उगती है। फसल चक्र को एक मछली एक चावल के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें 15 अप्रैल तक मछली पालन किया जाता है, जिसके बाद मौसम की पहली वर्षा से पूर्व खेतों को सुखा दिया जाता है ताकि उनसे नमक को हटाया जा सके। फसल चक्र अक्टूबर तक चलता है, जब उन्हें मत्स्य पालन के लिए पुनः प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त परिच्छेद में चावल की निम्नलिखित किस्मों में से जो है किस किस्म का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो क्या यह पोकाली किस्म की वर्णन की गई है, दामोदर या पोटेरेसिया या आया रेट। तो यहाँ पर आया रेट तो आपको पता होगा, आया रेट जो है, आया रेट की बात करें तो आया रेट जो है एक सर्वाधिक प्रसिद्ध चावल की किस्म थी, जिसे भारत में हरित क्रांति के एक भाग के रूप में जो है इसे अपनाया गया था। और इसे जापान की जो है नोरिनी किस्म और ताइवान की पोलाई किस्म के विकास के आधार पर जो है इसको विकसित किया गया था। तो ये जो है आयर रेट इसका सही उत्तर नहीं है, यहाँ पर पोकाली की जो है ये बात हो रही है। पोकाली हाल ही में जो है समाचार की सुर्खियों में रहा है और पोकाली चावल जो है ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण जो है इसके वार्षिक जो बुआई थी ये प्रभावित हुआ था। तो ये जो है पोकाली जो चावल है ये मुख्य रूप से जो है केरल वाले क्षेत्र में जो है यह उगाई जाती हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि हिमालय के उत्थान से पूर्व विकसित और पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण करते हुए दक्षिणावर्ती अपने मार्ग का निर्माण करने वाली नदियों को अध्यारोपित नदियों के रूप में जाना जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियों को अनुवर्ती नदियाँ कहा जाता है। तो इसमें से जो है बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। कथन में जो बात हो रही है कि हिमालय के उत्थान से पहले विकसित हुई और पर्वतों के काट कर जो है गाज का भी निर्माण करती है और दक्षिणावर्ती मार्ग के संरचना करते हुए जो है यह बहती है, तो ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है। ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है, यह पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। यहाँ पर पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का ये उदाहरण है, यानी एंटीसिडेंट या इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम इसको कह सकते हैं। और इनका जो है विकास हिमालय के उत्थान से पहले हुआ है तथा ये पर्वतों को काटकर गाज का निर्माण करते हुए दक्षिणावर्ती प्रवाहित होती है। सिंधु, गंगा, सरजू, अरुण, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र ये सब जो है पूर्ववर्ती नदियों के कुछ उदाहरण हैं।
और इनका उद्गम जो है बृहद हिमालय के परे उत्तर में हुआ है इन नदियों का जो है, और इस प्रकार जो है पहला कथन यहाँ पर गलत है। तो फिर बात यहाँ पे यह है कि अध्यारोपित नदियाँ किसे कहते हैं, तो इन नदी घाटियों का विकास जो है पहले ऊपरी आवरण शैल पर होता है। नदी गहरे अपरदन द्वारा ऊपरी आवरण शैल को काटकर निचली शैल पर पहुंच जाती है और अपनी नवीन अनावृत शैल से स्वतंत्र घाटी का विकास करती है। और इसमें जो नदियां शामिल है इसमें रीवा पठार पर बहने वाली नदी दामोदर है, उसके बाद सुवर्णरेखा है, चंबल है, बनास है, ये सब जो है अध्यारोपित नदी के उदाहरण है। और इस प्रकार जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है, पहला कथन गलत है। तो पहला कथन गलत है तो यहाँ पे विकल्प ए भी गलत हो जाएगा, विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये करा है कि ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियों को अनुवर्ती नदियाँ कहा जाता है, तो यहाँ पे दूसरा कथन बिल्कुल सही है। ढाल के अनुरूप जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं उन्हें अनुवर्ती या अनुगामी नदियाँ कहते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद बात करें तो कावेरी, उसके बाद पश्चिमी घाटों से होकर ये जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, और ये जो है मुख्य अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं। दूसरा कथन जो है यहाँ पे सही है और दूसरा सही है तो विकल्प डी भी गलत हो जाएगा, बी जो है इसका सही उत्तर है कि केवल कथन दो जो है यहाँ पे सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में कौन सा कथन जो है सही है। पृथ्वी की संरचना से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो है पृथ्वी की संरचना है, तीन भागों में इसे हम जानते हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड के नाम से जानते हैं भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड के नाम से। और पहला कथन यहाँ पे ये कह रहा है कि बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है, तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है क्रोड है और इसका बाह्य वाला जो हिस्सा है ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में, जबकि अंदर वाला जो हिस्सा है वो ठोस अवस्था में है। और उसके बाद बात करें तो दूसरा कथन ये कह रहा है कि बाह्य क्रोड मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी उद्गारों के दौरान धरातल पर पहुंचता है, तो यहाँ पर ये बात जो है गलत है। बाह्य क्रोड जो है मैग्मा का मुख्य स्रोत नहीं है, मेंटल जो है ये मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी उद्गारों के दौरान धरातल पर जो है पहुँचती है। तो है पहला कथन यहाँ पे सही है और दूसरा कथन गलत है, तो सिर्फ ए जो है इसका सही उत्तर होगा, केवल एक जो है इसमें सही है। ये बाह्य कोट से जो है ये मैग्मा का ये मुख्य स्रोत नहीं है, मेंटल जो है ये मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी उद्गारों के दौरान धरातल पर पहुँचता है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, और प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि महाद्वीपीय और महासागरीय भूपर्पटी के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभी आपने पढ़ा कि पृथ्वी में जो है ये तीन स्तर होते हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर दोनों हैं, तो इस प्रकार महाद्वीप और महासागर के जो भूपर्पटी हैं ऊपरी भाग उसके मध्य जो अंतर होगी उसके संबंध में यहाँ पर जो है इस प्रश्न में विचार करना है, और पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। रहे कि महाद्वीपीय भूपर्पटी के मुख्य खनिज तत्व सिल्का और मैग्नीशियम है और जबकि महासागरीय भूपर्पटी के मुख्य खनिज सिल्का और एल्युमिनियम है, तो यहीं पर जो है ये गलत है, ये हेर फेर कर दिया गया है। दोस्तों महाद्वीपीय भूपर्पटी के जो मुख्य खनिज तत्व होते हैं वो सिल्का और एल्युमिनियम होते हैं, सिल्का और एल्युमिनियम जिसे सीएल के नाम से जानते हैं, और महासागरीय भूपर्पटी के जो मुख्य खनिज तत्व होते हैं उसे सिल्का और मैग्नीशियम यानी कि सीमे के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है, और पहला कथन गलत है तो इसमें जो है विकल्प ए विकल्प सी गलत हो जाएगा,
दूसरा कथन ये कह रहा है कि भू पर्पटी महाद्वीपों के नीचे अधिकांशतः ग्रेनाइट से, जबकि महासागरों के नीचे अधिकांशतः ज्वालामुखी लावा चट्टान अर्थात बेसाल्ट से निर्मित है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही है। भू पर्पटी का निर्माण दो प्रकार की प्राथमिक चट्टानें, एक है उसमें ग्रेनाइट और दूसरा है बेसाल्ट, इन दो प्रकार के प्राथमिक चट्टानों से जो है भू पर्पटी का निर्माण हुआ है। महाद्वीपीय भू पर्पटी जो है अधिकांशतः जो है कंटिनेंटल जो भू पर्पटी होती है वो ग्रेनाइट से निर्मित होती है, जबकि महासागरों के भू पर्पटी जो होते हैं वो जो है बेसाल्ट के निर्मित होते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है। महाद्वीपीय प्लेटों की ग्रेनाइट चट्टानों की तुलना में महासागरीय प्लेटों की बेसाल्टिक चट्टानें अत्यधिक सघन और भारी होती है। तो ये जो है अत्यधिक सघन और भारी होती है महाद्वीपीय की अपेक्षा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दूसरा कथन जो है सही है, दूसरा कथन सही है, तो विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर होगा। केवल दो जो है इसमें सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि प्लेटों की निम्नलिखित सीमाओं में से किस पर नई भू पर्पटी का निर्माण होता है, यानी प्लेटों की ऐसी कौन सी इसमें सीमाएं हैं जिस पर जो है नई भू पर्पटी का निर्माण होता है, कि इसमें से जो है कौन सीमा से नई भू पर्पटी का निर्माण होता है, और वही जो है आपको उत्तर चुन के बताना है। कोट का प्रयोग करके यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। बात करते हैं अभिसरण सीमा की, यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की। तो जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आके धंस जाती है और इस स्थिति में जो है भू पर्पटी नष्ट होती है, और जिस स्थान पर यह प्लेट जाके, मान लेते हैं यहाँ पर जाके धंस गई, तो यह जो है प्रविष्टन क्षेत्र, और इसे इंग्लिश में सबडक्शन जोन इसको कहा जाता है। अभिसरण जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार से हो सकता है, महाद्वीपीय प्लेट के बीच। उसके बाद बात करें तो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच हो सकता है, दो महासागरों के बीच भी हो सकता है, या महाद्वीपीय प्लेटों के बीच भी हो सकता है, और महासागरीय और महाद्वीपों के बीच भी हो सकता है। तो इस तीन प्रकार से जो है अभिसरण हो सकता है। तो यहाँ पर जो है अपसरण इसमें सही नहीं है, क्योंकि इसमें भू पर्पटी जो है दबने के कारण नष्ट होती है, और यहाँ पर नई भू पर्पटी निर्माण करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर विकल्प एक जो है गलत हो गया, और विकल्प एक गलत हो गया, तो सीधा जो है इसका उत्तर निकल के आ गया कि विकल्प बी जो है इसका सही है, यानी कि अपसारी सीमा, यानी कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, यही जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पर रूपांतरण सीमा भी जो है गलत है। और बात करें अब अपसारी सीमा की, तो इसी में जो है नई भू पर्पटी का निर्माण होता है, और इसमें जो है प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, उल्टा दिशा में प्लेटें जो हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, और इससे जो है नई भू पर्पटी का निर्माण होता है। और इसे प्लेटों को जो है, ये जो प्लेट हैं ये अपसारी प्लेट कहलाएंगे, और वह स्थान जहां से प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं प्रसारी स्थान, यानी कि इसको प्रसारी स्थान यानी कि स्प्रेडिंग साइट के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और अपसारी सीमाओं का जो है सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटों से जो है अलग होती हैं, तो ये भी जो है आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर ले तीसरी, जो कि गलत है, रूपांतरण सीमा की, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो होती है यह न तो नई पर्पटी का निर्माण होता है, और न ही जो है पर्पटी का इसमें विनाश होता है। जब प्लेटें एक दूसरे के क्षैतिज के साथ साथ एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है, तो रूपांतरण भ्रंश दो प्लेटों को पृथक करने वाले तल है, जो कि सामान्यतः मध्य सागरीय कटकों से लंबत स्थिति में पाए जाते हैं। और इस प्रकार जो है विकल्प कथन दो जो है इसमें सही है, विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि भारतीय भूगर्भ विज्ञान के संदर्भ में मालदा भ्रंश जो है किसको इसमें से पृथक करता है, तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला से विंध्य पर्वत श्रृंखला को, या अरावली पर्वत श्रृंखला से दिल्ली पर्वत श्रेणी को, या वेस्टर्न घाट से पूर्वी घाट को, या प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय पठार को। तो यहाँ पर मालदा भ्रंश जो है, ये मालदा वेस्ट बंगाल में एक जगह है, और यही जो है मालदा भ्रंश है कहलाती है। चूँकि ये वेस्ट बंगाल में है, तो
तो यहाँ पर जो है आप अन्य राज्यों में जो भी पर्वत श्रृंखला है ये वाले ऑप्शन को आप गलत कर सकते हैं और सीधा जो है इसका उत्तर निकल के आ जाएगा कि ये प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय पठार को जो है अलग करने वाली जो है एक प्रायद्वीपीय पठार से जो है ये यहाँ पर जो है मालदा भ्रंश है और ये प्रायद्वीपीय पठार से यहाँ पर मेघालय पठार को ये अलग करते हैं। तो इस प्रकार जो है डी जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत में शीत ऋतु के दौरान यानी कि ठंडे के मौसम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी परिघटनाएं जो है देखने को मिलती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इसमें जो है सही उत्तर आपको बताना है। कह रहे हैं कि पहला कथन ये कह रहा है कि हिमालय के उत्तर में अवस्थित क्षेत्र में उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है सही बात है, क्योंकि ITCZ जो होता है जो गर्मी के दिन में उत्तर क्षेत्र में होता है वो ठंडे के दिन में दक्षिण क्षेत्र में सरक जाता है और चूँकि ये दक्षिण क्षेत्र में सरक जाता है तो इस प्रकार जो है उत्तरी भारत में ठंडे का मौसम होता है और ठंडे का मौसम होगा तो इस स्थिति में जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र जो है केंद्र स्थापित होगा और यहाँ पर जो है पहला कथन सही है और पहला कथन सही है। तो विकल्प बी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा कथन यह कह रहा है कि मध्य एशिया से शुष्क धरातलीय पवनों का प्रवाह आरंभ हो जाता है जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो है इसी को कहा जाता है, जो कि मध्य एशिया से शुष्क धरातलीय पवनों का जो है यह प्रवाह आरंभ होता है और उत्तर पश्चिम भाग में ये पहुंचता है, खास करके रबी की फसलों को जो है यह लाभ पहुंचाता है ठंडे के दिनों में और इससे जो है कुछ वर्षा भी होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तमिलनाडु के तटों पर भी वर्षा होती है और दूसरा कथन भी जो है यहाँ पे सही है और दूसरा कथन भी सही है। तो यहाँ पे जो है विकल्प सी गलत हो जाएगा। तीसरे कथन की बात करें तो तीसरा कथन ये कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत पर एक पूर्वी जेट प्रवाह आरंभ हो जाता है। तो क्या प्रायद्वीपीय भारत पर एक पूर्वी जेट प्रवाह आरंभ हो जाता है? तो नहीं, ये जो है ये गर्मी के जून माह में जो है प्रायद्वीपीय के दक्षिणी भाग पर एक पूर्वी जेट प्रवाह आरंभ होता है, ठंडा के मौसम में नहीं, और इसलिए जो है तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन गलत है तो विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा। एक दोनों जो है इसमें सही है।